हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, वो है हाउ टू इंस्टॉल IOU इन GNS3। सो हम लोग GNS3 में IOU को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। अगर आपने नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को नेटवर्किंग रिलेटेड फुल वीडियो मिल जाएगा और जो अपडेट लेटेस्ट है विंडोज सर्वर 2012 मैं जल्दी जल्दी आप लोग के लिए मैं वीडियो देने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग चाहेंगे तो ये वीडियो फेसबुक में, ट्विटर में एंड ब्लॉगर में भी देख सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन एंड मोर अपडेट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं GNS3 में IOU को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग को जो चाहिए यह इंस्टॉल करने के लिए, तो देखिए फर्स्ट मुझे GNS3 चाहिए इंस्टॉल होने के लिए। तो मेरे पास GNS3 इंस्टॉलेशन है। आप लोग को GNS3 का इंस्टॉलेशन नहीं पता है कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन चाहिए वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स जस्ट फॉर नॉर्मल इंस्टॉलेशन है। नेक्स्ट एक वर्चुअल बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, मैं आप लोग को मैं दिखाऊंगा। आप लोग चाहेंगे तो ये वर्चुअल बॉक्स में भी कर सकते हैं और नहीं तो चाहेंगे तो VMware के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं एक बार बोल देना चाहता हूँ, वर्चुअल बॉक्स एंड VMware जो दोनों प्रोसेस का सेम प्रोसेस ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्चुअल बॉक्स में जब हम लोग करेंगे उसका डिफरेंट अलग होगा और जो हम लोग VMware में करेंगे वो भी दूसरा प्रोसेस होगा। आप लोग चाहेंगे तो वर्चुअल बॉक्स में यूज़ करिए, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा आप कहाँ पर यूज़ करेंगे वर्चुअल बॉक्स नहीं तो VMware। आप लोग चाहेंगे तो VMware के ऊपर भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और थर्ड जो मेरा जो प्रोसेस है जो चाहिए मुझे GNS3 IOU VM, ये चाहिए थर्ड। और लास्ट में जो चाहिए सिस्को IOU, सिस्को IOU मुझे चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है GNS3, ये मुझे चाहिए। सेकंड ऑप्शन वर्चुअल बॉक्स, थर्ड ऑप्शन GNS3 IOU VM, फोर्थ ऑप्शन सिस्को IOU। इन चारों का कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप लोग को नहीं पता होगा, तो प्लीज़ मैं इन चारों का ही पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है ये मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो वहाँ से भी देख के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं GNS3 में IOU को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। तो चलिए फर्स्ट मुझे GNS3 में ओपन कर लेता हूँ। आप लोग चाहेंगे तो प्लीज़ GNS3 को इंस्टॉल कर लीजिए पहले। GNS3 मस्ट भी इम्पॉर्टेंट, GNS3 नहीं होगा तो ये इंस्टॉलेशन कभी नहीं होगा। तो चलिए इंस्टॉलेशन शुरू करने के पहले मैं आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ जो जो फाइल मैंने डाउनलोड किया है वो क्या क्या है, मैं आप लोग के लिए एक बार दिखा देना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं क्या क्या फाइल है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो चलिए तो देखिए फर्स्ट ये है GNS IOU VM, ये आपको पहले फर्स्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये है दोनों जो फाइल, ये दोनों आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। और जो मेरा जो है आप लोग को GNS3 इंस्टॉल करना पड़ेगा और Oracle वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट। तो फर्स्ट मैं आप लोग के लिए GNS3 ओपन करता हूँ। मैं आप लोग चाहेंगे तो ये वीडियो देख के आप भी थोड़ा सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो वीडियो को थोड़ा स्किप मत करिए, स्किप करेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा GNS3 ओपन हो चुका है, इसके बाद मैं आप लोग के लिए हम लोग वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने बोला था पहले, तो चलिए इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। जस्ट फॉर नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, मैं आप लोग के लिए एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है। तो देखिए प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल,
यह इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो रही है। तो देखिए वर्चुअल बॉक्स का एक नया पॉपअप बॉक्स आ गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू द ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ये वर्जन नंबर है, ये जस्ट फॉर नॉर्मल इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट आप कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, लोकेशन सी टाइप में, डी टाइप में, ई टाइप के, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा आप कहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। मैं जो बाई डिफॉल्ट रहती है सी टाइप में, मैं सी टाइप में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो चलिए तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा शॉर्टकट ऑप्शन है, क्रिएट स्टार्ट मेन्यू एंट्रीज, क्रिएट ए शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट क्विक लॉन्च बार आइकॉन एंड रजिस्टर फाइल एक्सेसरीज। तो मैं यहाँ पर यह फाइल मुझे नहीं चाहिए, मैं अनचेक कर रहा हूँ। क्रिएट ए शॉर्टकट क्विक लॉन्च बार, और ये भी मुझे नहीं चाहिए, रजिस्टर फाइल एंड एसोसिएटेड शेयर, जस्ट फॉर नॉर्मल। ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा आप कौन सा रहना चाहते हैं, नहीं तो कौन कौन को अनचेक करना चाहते हैं, कौन सा क्लिक करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद तो देखिए एक वार्निंग मैसेज आती है, नेटवर्क इंटरफेसेस। तो देखिए इंस्टॉलेशन इंस्टॉलिंग द ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स 5.1.22 नेटवर्किंग फीचर्स विल बी रीसेट ऑन योर नेटवर्क कनेक्शन एंड टेम्पोरली डिसकनेक्ट यू फ्रॉम द नेटवर्क। ये नेटवर्क इंटरफेस के लिए इंस्टॉलेशन बोल रही है। तो देखिए प्रोसेस टू इंस्टॉलेशन नाउ, ये आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं कि नहीं, यस नहीं नहीं नो, मैं यस करना चाहता हूँ, तो जस्ट फॉर नॉर्मल यस। तो देखिए इसके बाद क्लिक टू द इंस्टॉलेशन। तो देखिए जस्ट फॉर नॉर्मल इंस्टॉलेशन है। तो देखिए ये इंस्टॉलेशन कॉम स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर नॉर्मल इंस्टॉलेशन मैंने पहले ही बोल दिया था। तो देखिए फाइल इंस्टॉलेशन हो रही है। तो देखिए मेरा इंस्टॉलेशन कॉम्प्लीटेड हो गया, तो जस्ट फॉर फिनिश। तो चलिए हम लोग ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए मेरा ये है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। तो देखिए मेरा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ओपन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फाइल में जाएंगे, फर्स्ट टाइम हम लोग फाइल में जाएंगे। तो फाइल में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, इम्पोर्ट अप्लायंस बोल के एक ऑप्शन है, ये शॉर्टकट ऑप्शन है, आप लोग चाहेंगे तो शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं। इम्पोर्ट अप्लायंस बोल के एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो मेरा OVF फाइल है, मेरा वो वर्चुअल का जो एक फाइल होती है, मतलब GNSIOU जो फाइल है, वो आप हम लोग को देना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा वो फाइल। तो चलिए हम लोग इसको ब्राउज कर लेते हैं। तो ब्राउज करने के बाद यहाँ पर हम लोग ई टाइप में जाते हैं। ई टाइप में जाने के बाद यहाँ पर एफ टाइप में है, तो मेरा है ये है फाइल GNSIOUVM, ये जो फाइल है इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट फॉर नॉर्म ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो बाय डिफॉल्ट जो जो सेटिंग्स है इसको रहने देते हैं, हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। जस्ट इसको हो जाने के बाद इम्पोर्ट में क्लिक करेंगे। तो देखिए फाइल मेरा इस ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये इंपोर्ट हो रही है फाइल। तो देखिए मेरा वर्चुअल बॉक्स में इंपोर्ट हो चुका है। ये आपके डिपेंडिंग करती है पीसी के ऊपर, आपका कितना रैम है, कितना सीपीयू का प्रोसेस फास्ट है नहीं स्लो है, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। ये जो इंपोर्ट फाइल हुआ है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के अंदर, इसके बाद हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाएंगे तो देखिए सेटिंग्स का एक नया टैब ओपन हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में जाने के बाद देखिए होस्ट एडाप्टर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली इथरनेट एडाप्टर, ये है बाय डिफॉल्ट, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए मेरा सब कुछ ओके है। इसके बाद हम लोग ओके में क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे।
तो देखिए मेरा स्टार्ट बटन में क्लिक कर लिया, तो देखिए मेरा वर्चुअल बॉक्स ओपन हो चुका है। तो देखिए ये वर्चुअल स्टार्टिंग हो चुका है वर्चुअल बॉक्स। तो देखिए इसका प्रोसेस स्टार्टिंग हो चुका है। तो देखिए GNSIOVM लॉगिन, ये जो लॉगिन है यहाँ पर आपको एक लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन का जो पासवर्ड एंड यूजर नेम है, तो चलिए यूजर नेम है फास्ट रूट रूट, आप पासवर्ड है सिस्को। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसलिए मैं एक बार काम कर देता हूँ, मैं आप लोग के लिए एक नोटपैड में क्लिक कर लिख देता हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं तो यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है आप लोग थोड़ा सा करने के टाइम में लोग प्रॉब्लम आ सकती है। यूजर नेम है मेरा यहाँ पर जो है, एंड उसका पासवर्ड है, यूजर नेम था रूप एंड पासवर्ड था सिस्को। आई होप आप लोग को यूजर नेम एंड पासवर्ड पता चल गया। इसके बाद हम लोग चलिए ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा डिवाइस ऑन हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसका आईपी देखेंगे। आईपी क्या है, आईपी देखने के लिए जो कमांड है इफ कॉन्फिग देख लेते हैं। चलिए इफ कॉन्फिग, तो देखिए यह है मेरा आईपी। तो आईपी क्या है मैं आप लोग के लिए देखिए मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। यह है मेरा आईपी, इंटरनल आईपी, ये रहा मेरा आईपी 192.168.56.101, ये है मेरा आईपी इंटरनल एड्रेस 192.168.56.101, ये है मेरा आईपी। तो चलिए इसके बाद हम लोग एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद ये जो आईपी है इस आईपी को एड्रेस बार में टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो चलिए मेरा ब्राउजर ओपन हो चुका है। तो मैंने जो आईपी बोला था यहाँ पर 192.168.56.101, ये आईपी हम लोग को एंटर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए हम लोग एंटर कर लेते हैं 192.168.56.101। इसके बाद ये जो आईपी है इसके साथ ये ऐड करना पड़ेगा इस टू 8000, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए ये एक छोटा सा ओपन विंडो आ गया, वेलकम टू GNS। यहाँ पर देखिए वेबसाइट API डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड इमेज एंड बैकअप, यहाँ पर हम लोग अपलोड इमेज एंड बैकअप बोल के ये जो ऑप्शन है इसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए सिलेक्ट एंड अपलोड एंड इमेज फॉर GNS3, तो ये कौन सा फाइल हम लोग को अपलोड करना पड़ेगा मैं आप लोग को अभी मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पर जो ऑप्शन था, देखिए फाइल पाथ, यहाँ पर जो हम लोग का जो हम लोग जो अपलोड करेंगे यहाँ से करेंगे ब्राउज करके। और फाइल टाइप क्या है, फाइल टाइप देखिए IOU है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, हम लोग इसको क्लिक नहीं करेंगे, जस्ट फॉर जो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन रहती है IOU फाइल यही सिलेक्ट रहने देते हैं। तो चलिए हम लोग ब्राउज करके जो फाइल है हम लोग अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए ब्राउज में क्लिक कर देते हैं। ब्राउज में क्लिक होने के बाद तो देखिए यहाँ पर दो फाइल है। तो देखिए फर्स्ट जो ये फाइल है मेरा, ये एक फाइल है और ये एक फाइल है। आप चाहेंगे तो दोनों भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा आप कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं ये जो फाइल है 12.4 ये हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए इसको सिलेक्ट करने के बाद जस्ट फॉर नॉर्मल ओके करते हैं। ओके क्लिक करने के बाद जस्ट फॉर
अपलोड में क्लिक करते हैं। तो देखिए ये फाइल अपलोड हो रही है, तो देखिए मेरा फाइल ये अपलोड हो चुका है। ये है इसका पाथ, ये है उसका पाथ, देखिए ये फाइल हम लोग को अपलोड हो गए। तो चलिए इसके अपलोड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए इसके बाद हम लोग को GNS3 में जाते हैं। तो चलिए फास्ट अब हम लोग GNS3 में ओपन कर लेते हैं। तो देखिए पहले से हम लोग GNS3 ओपन कर के रखा हुआ था, इसके बाद हम लोग जाएंगे GNS3 में एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंस बोल के फाइल है, प्रेफरेंस में जाएंगे। प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट में जाना पड़ेगा सर्वर में। सर्वर में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग को होस्ट बाइंडिंग बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा 192.168.56.1। ये जो आईपी है ये आईपी को हम लोग सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए लोकल सर्वर के ठीक बगल में एक ऑप्शन एक और एक टैब है, यह है रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर में हम लोग को यह फाइल ऐड नहीं था, यह फाइल को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए ये जो फाइल है 192.168.56.101 ये फाइल जो है इसको फाइल को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए मेरा ऐड हो चुका है, इसके बाद इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये फाइल भी ऐड हो गया। इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन जो जाएंगे iOS ऑन यूनिक्स। तो देखिए एनी सर्वर बोल के एक ऑप्शन है, तो देखिए एनी सर्वर पार्ट टू iOURS लाइसेंस पब्लिश टू सर्वर। तो देखिए ये पाथ देना पड़ेगा लाइसेंस फाइल, तो लाइसेंस फाइल कैसे देता है तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ब्राउज बोल के एक ऑप्शन है, तो मेरा फाइल है ई टाइप में। तो देखिए ये है मेरा लाइसेंस फाइल, इसको ओपन करके मैं आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये है लाइसेंस फाइल, तो ये लाइसेंस फाइल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके दे सकते हैं। तो ये है लाइसेंस फाइल, ये फाइल मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, ये फाइल देना ही पड़ेगा, ये फाइल नहीं देंगे तो IOU स्टार्ट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इस फाइल को दे देते हैं। तो चलिए इसको सिलेक्ट करके जस्ट फॉर नॉर्मल ओपन कर देते हैं। देखिए मेरा फाइल ओपन हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो जाएंगे नेक्स्ट में वो है, तो इसके बाद हम लोग जो जाएंगे देखिए इसके नीचे में जो ऑप्शन है IOU डिवाइस बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए न्यू वर्किंग एक ऑप्शन है, न्यू में क्लिक करेंगे तो देखिए एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वर, प्लीज चूज ए सर्वर टाइप टू रन योर न्यू IOU डिवाइस। हम लोग इसको कैसे चूज करेंगे, रिमोटली करेंगे नहीं तो लोकल में करेंगे। तो देखिए जस्ट फॉर नॉर्मल रिमोट में सिलेक्ट है, रिमोट में रहने देते हैं। और जो मेरा जो रन ऑन सर्वर जो आईपी था हम लोग ने जो अभी अभी जो एड्रेस बार में जो टाइप किया था, तो देखिए ये जो आईपी है 192.168.56.101 ये आईपी है। तो देखिए तो इसके बाद हम लोग जस्ट फॉर नॉर्मल ये यहाँ पर हम लोग कुछ छेड़छाड़ मत करिए, जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट वही रहने दीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद तो देखिए एक ऑप्शन आती है IOU बोल के, यू हैव चूज टू यूज ए रिमोट सर्वर, प्लीज प्रोवाइड द पाथ एंड IOU इमेज लोकेटेड ऑन दिस सर्वर। तो यहाँ पर जो बोले है तो ये फाइल को चूज करना पड़ेगा रिमोट सर्वर से, एंड प्लीज प्रोवाइड द पाथ IOU इमेज लोकेटेड ऑन दिस सर्वर, वो जो पाथ है यह पर देना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग ओके कर लेते हैं। ओके होने के बाद यहाँ पर आपको देखिए तीनों ऑप्शन है, नेम IOU इमेज एंड टाइप, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं L2 राउटर।
देखिए हम लोग ने ना यहाँ पर आईओ यूज इमेज, तो यहाँ पर देखिए ब्राउज में क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप बॉक्स ओपन नहीं होगा। आप लोग को यहाँ से जो ये जो फाइल था, ये जो पाथ था, सॉरी ये जो फाइल पाथ था, यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से कॉपी करके हम लोग यहाँ से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा आप L2 राउटर। आप लोग चाहेंगे तो राउटर को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो तो देखिए L2 राउटर, नहीं तो आप LT स्विच भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। तो मैंने L2 राउटर ले लिया, L2 नहीं तो L3 आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा, आप कौन सा लेना चाहते हैं। L3 मैंने दे दिया, चलिए L3, ये आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा आप क्या नाम देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद फिनिश में क्लिक करते हैं। तो देखिए L3 राउटर बोल के मेरे पास आ चुका है। इसके बाद हम लोग सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, न्यू में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके में क्लिक करेंगे, जो जो हम लोग ने किया था L2 आपके ऊपर डिपेंडिंग है, ये आप क्या रखना चाहते हैं, नहीं तो आप स्विच भी ले सकते हैं आपके। ये है मेरा जो वहां से मेरे फाइल को, फाइल नहीं पाथ को हम लोग ने जो कॉपी किया था, इसको कॉपी करके मैंने सेम टू सेम प्रोसेस को हम लोग ने यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक बार दिखाना जाना चाहता हूँ। तो देखिए फर्स्ट टाइम ने हम लोग जो किया था L2 इमेज, तो देखिए यहाँ पर जो साइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब भी हम लोग L3 देंगे। तो देखिए L3 इमेज, तो देखिए ये चेंज हो गया, तो L3 हम लोग ने दे दिए थे, तो यहाँ पर हम लोग L2 देंगे। तो L2 देने के बाद हम लोग ने ये सारा जो प्रोसेस था हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एडिट में नहीं जाएंगे, जस्ट फॉर नॉर्मल प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे, जो हम लोग ने जो जो सारा जो प्रोसेस किया था यहाँ पर अप्लाई करने के बाद जस्ट फॉर नॉर्मल ओके करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग GNS3 में देखते हैं, तो ये जो हम लोग ने प्रोसेस किया है वो कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो चलिए एक बार हम लोग इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए ये रहा हम लोग का L3 राउटर। तो देखिए कोई भी एरर मैसेज नहीं आया। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करके एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। तो चलिए मेरा राउटर ओपन हो चुका है। तो देखिए मेरा राउटर ओपन हो गया, तो यहाँ पर हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको फर्स्ट हम लोग होस्ट नेम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद होस्ट नेम राउटर 1 रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। तो देखिए राउटर 1 होस्ट नेम मेरा चेंज हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मैं आप लोग के लिए शो वर्शन दिखाना चाहता हूँ, तो ये कौन सा वर्शन है। तो देखिए ये है मेरा वर्शन 12.4। इसके बाद हम लोग यहाँ पर IP भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार इसको IP कर सेट करके देख लेते हैं। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन जाने के बाद इंटरफेस E0x0 by default एक पोर्ट चूज कर लेता हूँ। IP@ कुछ भी IP दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा आप कौन सा IP देना चाहते हैं। मैं C क्लास में देना चाहता हूँ। तो देखिए IP मैंने दे दिया, IP देने के बाद पोर्ट भी ऑफ हो गया। तो चलिए हम लोग इसको पोर्ट को एक बार देख लेते हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए ये है मेरा पोर्ट IP। तो देखिए मेरा राउटर में मैंने एक IP सेट किया है, तो तो राउटर का जो इंटरफेस था, तो देखिए इथरनेट पोर्ट कितना है एंड सीरियल पोर्ट कितना है, आप लोग चाहेंगे तो इस पोर्ट को भी बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग स्विच में भी देख लेते हैं। तो मेरा जो मैंने हम लोग ने जो स्विच को ऐड किया था, ये स्विच वर्क
कर रहा है कि नहीं, तो चलिए इसके ऊपर राइट क्लिक करके स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद कॉन्सोल में जाते हैं, तो देखिए तो ये देखिए स्विच ऑन हो चुका है। तो देखिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखिए कुछ भी आईपी नहीं सेट किया है। शो वर्शन, तो देखिए ये वर्शन यहाँ पर आपको दिखाएगा 12.4। तो इसके बाद हम लोग, तो चलिए इसका होस्ट नेम भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में अलग रहेगा। होस्ट नेम switch.on, तो देखिए होस्ट नेम मेरा चेंज कर दिया। तो देखिए दोनों ही मेरा राउटर एंड जो स्विच था तो दोनों ही वर्क कर रही है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा IOU को कैसे इंस्टॉल करते हैं GNS3 में। ये जो प्रोसेस है ये वर्चुअल बॉक्स भी कर सकते हैं एंड आप लोग चाहेंगे तो VMware के ऊपर भी कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होगा एंड VMware ऊपर का ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, दोनों में अलग अलग प्रोसेस होगा। मैंने आप लोग के लिए वर्चुअल बॉक्स में दिखा दिया, आप लोग चाहेंगे तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आप लोग वर्चुअल बॉक्स में। तो मैंने आप लोग के लिए देख दिया, आप लोग चाहेंगे तो VMware में भी लिख दीजिए कैसे करते हैं ये जो प्रोसेस, VMware में कैसे इंपोर्ट करते हैं जियो IOU फाइल को। मैं इसके ऊपर मैं वीडियो क्रिएट करके मैं आप लोग के लिए मैं दिखा दूंगा तो कैसे होती है VMware। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो वीडियो है वीडियो का आप लोग शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों वगैरह में। आप लोग चाहेंगे तो फेसबुक में, ट्विटर में, गूगल प्लस में एंड ब्लॉगर में भी ये वीडियो देख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कैसे इंस्टॉल करते हैं IOU फाइल को GNS3 में। सो आप लोग को नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आप लोग के लिए मैं हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।